So good morning to all students. Good morning sir. Morning sir. Good morning sir. अब हम यहाँ से mute कर रहे हैं आप लोगों को. आप लोग अपना audio जो है mute कर लीजिए. So in previous class, we have discussed about Helleborus Niger. In introduction part, then the characteristics feature of this medicine, then mental symptom, we all are completed. Previously, now today we continue in individual complaint, that is particulars, in head complaint or brain troubles. तो इसमें हम लोग अभी जो देखे हैं या जो previously भी बात किए थे कि Helleborus Niger जो है ये हम लोग basically use करते हैं इन ब्रेन ट्रबल्स में या ब्रेन कॉम्प्लिकेशन में. एज फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग देख पा रहे हैं या हम लोग को मालूम है जो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखे थे, दैट इज मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, ये सभी कंडीशन में जो है हम लोग Helleborus Niger को रिमेम्बरेंस करते हैं. उसके अलावा इसमें ये भी देख रहे हैं कि ड्यू टू द ब्रेन ट्रबल्स, ब्रेन ट्रबल्स होने के वजह से पेशेंट जो है कभी कभार अनकॉन्शियस हो जाता है. वो जो एक नॉर्मल फेनोमेना होना चाहिए वैसा जो है वो कवर अप नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसका जो भी मूवमेंट है, जो भी एक्टिविटी है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है. या हम लोग उसको ये भी कर सकते हैं या देखते हैं कि उस पेशेंट को या उस चाइल्ड से जो बच्चे को ब्रेन ट्रबल हुआ है उससे अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन अराइजिंग करते हैं उसका भी जो एक नॉर्मल फेनोमेना या एक नॉर्मल आंसरिंग होना चाहिए वो भी नहीं होता है. तो इसलिए हम लोग इस सिम्टम में भी देख रहे हैं कि इसमें बताया गया है द पेशेंट रिमेन्स अनकॉन्शियस. When questioned, he answered slowly. There is a picture of acute idiocy in him. अगर हम लोग कुछ भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो वे ऑफ स्टेटमेंट है जो एक नॉर्मल में होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उसका आंसर जो है बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे जो है वो जवाब देता है. उसको देख के ही लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो सिक है. तो वैसा एक्टिविटी, वैसा एक पिकुलियर फेनोमेना हम लोग देखते हैं जो कि Helleborus के पेशेंट में या Helleborus के फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो है हम लोग कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके अलावा ये जो अभी सिम्टम देख रहे हैं, दैट इज देयर इज अ पिक्चर ऑफ एक्यूट इडियोसी. इडियोसी दैट इज द फूलिशनेस. बुद्धू टाइप का जो है एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जो हम लोग देखते हैं, या एक प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी एक फिगर देखे थे, दैट इज दिस फिगर जो हम लोग देख रहे हैं, एक इडियोसी टाइप का, एक मासूम या एक जो है मायूसी जो है कहीं ना कहीं इसके फेशियल एक्सप्रेशन में है. दिस टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, लाइक फुलिशनेस टाइप का जो है एक बिहेवियर जो है वो हम लोग देख रहे हैं, जो कि Helleborus के चाइल्ड में या Helleborus का पेशेंट जो है वो सफरिंग करता है ड्यू टू ब्रेन ट्रबल्स के वजह से. नेक्स्ट है, दैट इज देयर इज इनसेसिबल ऑफ लाइट और पीपल्स आर डायलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड अल्टरनेटली. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट में जो है ब्रेन ट्रबल होने के वजह से या लिथार्जीनेस होने के वजह से जो है उसका जो आईज है वो बार बार जो है बंद करना और क्लोजिंग और ओपन करना, उस टाइप का एक पिक्युलरिटी रहता है. या हम लोग ये भी कर सकते हैं
कि उसका जो पुपिल्स है वो डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कि बहुत सारे पेशेंट जो है अगर एट दैट टाइम बात करते करते अगर वो जो है उसको हम लोग कहेंगे अनकॉन्सियस हो जाए एट एनी फैक्टर के वजह से, तो उसमें भी जो है देखा गया है या देखते हैं कि उसका भी जो पेशेंट है वो पेशेंट जो है उसका भी जो आईज है वो ऊपर की तरफ चल जाता है या कंटिन्यूस जो है ब्लिंकिंग होता है, आँख को जो है फड़फड़ाना, उस टाइप का एक पेक्यूलिटी जो है हम लोग देख रहे हैं जो कि इस मेडिसिन में भी जो है हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ड्यू टू द ट्रबल ऑफ ब्रेन ट्रबल के वजह से या ब्रेन कॉम्प्लिकेशन के वजह से जो है इसका जो वन आर्म है, एक हाथ और एक पैड जो है वो ऑटोमेटिक मोशन होना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूस नहीं ऑटोमेटिक जो है। अगर हम लोग अभी जस्ट जो अभी बैठे हुए हैं तो इसमें से किसी को जो है बैठते बैठते अचानक जो है उसका हैंड और उसका लेग जो है वो ऑटोमेटिक मोशन होना शुरू हो जाता है, उस टाइप का एक पिक्युलिटी जो है वो सीन होता है इस मेडिसिन के पेशेंट में जो हम लोग देख पा रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम बताया गया है दैट इज ड्यूरिंग दिस ट्रबल देयर इज कन्वल्शन विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द माउथ, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट इन हेड और ऑक्सीप्यूट विच मे बी हॉट। ये सारा कॉम्प्लिकेशन होने के वजह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो पेशेंट है उसका जो बॉडी है, अगर बॉडी को हम लोग टच करते हैं वो पूरा जो है कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, एक्सेप्ट इन हेड, सिर को छोड़ के या ऑक्सीपिटल रीजन को छोड़ के जो है इसका एज ए होल बॉडी जो है वो ठंडा रहता है ड्यू टू अनकॉन्सियसनेस की वजह से, जो हम लोग प्रीवियसली अभी जस्ट देखे। नेक्स्ट क्या बता रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी देखे थे या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में भी देखे थे कि पेशेंट जो है अगर उसको कुछ विद द हेल्प ऑफ स्पून से, चम्मच से जो है अगर उसको खिलाया जाए या पिलाया जाए तो वो थोड़ा सा जो है वो सॉलोइंग करता है, निगलता है, निगलने के बाद जो है तुरंत जो है वो अनकॉन्सियस हो जाएगा और ड्यूरिंग अनकॉन्सियस के टाइम में जो है वो स्पून को जो है विद सपोर्टिंग ऑफ टूथ के टूथ से, दांत से जो है वो सपोर्ट करके जो है इसको प्रेस करके ही जो है वहीं अनकॉन्सियस हो जाएगा, उस टाइप का भी जो है एक पिक्युलिटी हम लोग इस हेलिबोरस के पेशेंट में देख रहे हैं या चाइल्ड में देख रहे हैं। नेक्स्ट है जो इसका माउथ है वो च्यूइंग मोशन में रहता है, वो जो है कुछ चबाता है, चबाने के साथ साथ जो है द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, माउथ का जो दोनों साइड है या जो दोनों साइड पार्ट्स है वो दोनों साइड जो है वो ये क्रैक हो जाता है, सोरनेस रहता है। और उसके अलावा नॉस्ट्रिल्स दैट इज नोज, नोज जो है वो बहुत ज्यादा गंदा रहता है या ड्राई रहता है, ड्राइनेस, ये सारा पिक्युलिटी हम लोग देख रहे हैं जो कि इस मेडिसिन में बताया गया है कि एक जो है वो चबाते रहेगा, चबा चबा के जब वो खाता है उस समय जो है उसका जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, माउथ का जो दोनों कॉर्नर्स है वो जो है क्रैक हो जाएगा, सोरनेस रहेगा और नोज जो है, नॉस्ट्रिल्स जो है वो डर्टी गंदा रहेगा। उसके अलावा जो है ड्राइनेस भी जो है वो रहेगा, सूखापन रहेगा। नेक्स्ट दैट इज ये अब जो सिम्टम हम लोग आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेलिबोरस के लिए, जो देख पा रहे हैं दैट इज द बोर हेड इन टू द पिलो रोल्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड बीट्स द हेड विद हैंड्स, अपने पिलो को जो है पिलो से अपने नाक को जो है वो रबिंग करता है। उसके अलावा जो है साइड टू साइड हेड को साइड टू साइड में ले जाता है। उसके अलावा जो है वो अपने हाथ से जो है हेड को, सिर को जो है मारता है, उस टाइप का एक क्यूबुलियर सिम्टम हम लोग देख पा रहे हैं जो कि ऑलरेडी इसके कीनोट सिम्टम में भी हम लोग देखे थे और उसका फिगर भी हम लोग जो है ये इस टाइप का फिगर जो है कि पेशेंट जो है वो सो रहे हैं और अपने तकिया या पिलो से जो है अपने नाक को रगड़ रहे हैं और रगड़ते समय जो है वो विद द सपोर्टिंग ऑफ हैंड, हाथ से जो है वो अपने सिर को जो है वो मार रहे हैं, इस टाइप का भी जो है हम लोग इसमें देखते हैं। जो भी ऑडियो म्यूट नहीं किए हैं वो तो सभी कोई अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, रोल नंबर 6 ऑडियो। नेक्स्ट द
दैट इज फोरहेड हैज रिंकल्ड फोल्ड एंड इज कवर्ड विथ स्वेट. स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, स्पेशली इन फोरहेड. और फोरहेड जो है जैसे ही वो रिंकल्ड करता है, जैसे ही वो सिकुड़ता है, उस समय जो है स्वेटिंग से जो है वो कवरिंग रहेगा. फोरहेड जो है जैसे ही वो थोड़ा सा भी जो है वो अगर कुछ थिंकिंग करेगा या थोड़ा सा भी जो है उसको उसको जो है रिंकल्ड होगा, तो उस रिंकल के साथ जो है उसको स्वेटिंग भी जो है स्वेटिंग के साथ उसका कवरअप रहता है. नेक्स्ट है, तो ये अभी तक जो है हम लोग इसके हेड सिम्टम या ब्रेन ट्रबल्स में देखें, जो हम लोग इसके इंडिविजुअल में या ऑलरेडी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में देख चुके थे. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ये कंप्लेन, दैट इज डायरिया. डायरिया सिम्टम में जो है क्या चेंजेबिलिटी है, तो इसमें भी वही सारा चेंजेबिलिटी है, या जो इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर है ड्यू टू ब्रेन ट्रबल्स. ब्रेन ट्रबल्स की वजह से जो है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है. तो हम लोग जो देख पा रहे हैं दैट इज द डायरिया स्पेशली ड्यूरिंग हाइड्रोसेफलस. हाइड्रोसेफलस का भी जो है फिगर हम लोग देखे थे. दिस फिगर जो है ये शो कर रहा है, ये जो है हाइड्रोसेफलस से जो है वो सफरिंग कर रहा है. ये बेबी जो है इसका जो हेड है वो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड से जो है पूरा एकदम फ्लूइड जो है भरा हुआ है, और इसका जो हेड का जो साइज है वो नॉर्मल नहीं है, वो इरेगुलर शेप है. इस टाइप का जो है चाइल्ड या इस टाइप का बच्चा जो है वो हाइड्रोसेफलस से सफरिंग कर रहा है, जो इस मेडिसिन में हम लोग देख रहे हैं. तो ये वही हाइड्रोसेफलस है, और हाइड्रोसेफलस से सफरिंग होने के वजह से जो है कहीं ना कहीं उसके मोशन डिस्टर्बेंस में भी जो है प्रॉब्लम होगा, या ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड में भी, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में भी जो है हम लोग इसके प्रॉब्लम में जो है ये इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन आता है. उसके अलावा अगर हम लोग इसके कैरेक्टर ऑफ स्टूल में देखते हैं, तो कैरेक्टर ऑफ स्टूल जो है इसका वाटरी स्टूल है. रोलवर वन कुछ पूछना है, अपने हैंड को रेज किए हो, पूछना होगा तो बाद में पूछना. The character of stool is watery, clear, tenacious, with colorless mucus or white, jelly-like frog stool. Again, ये frog stool जो हम लोग already discuss कर चुके थे कि Helleborus का जो character of stool है या discharging जो है वो jelly-like mucus है या jelly-like ये frog-like stool है. यही frog-like stool जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक तो ये watery discharging होगा, टिनेसियस रहेगा, टिनेसियस दैट इज द तना हुआ जो है रहेगा. उसके अलावा कलरलेस रहेगा, कोई इसका कलर जो है वो फिक्स नहीं रहता है, जो कि हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में देखते हैं. कोई मेडिसिन जो है उनका जो डिस्चार्जिंग है वो जो है ये ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, किसी में जो है ये ब्राउनिश कलर का जो है वो स्टूल डिस्चार्ज होता है या ब्लैक स्टूल होगा, वैसा इसमें नहीं है. उसके अलावा जो है जेली लाइक फ्रॉग स्टूल का जो है सिम्टम हम लोग इस मेडिसिन में देख पा रहे हैं या देखते हैं. तो ये हुआ इसका डायरिया सिम्टम. अब हम लोग देखेंगे दैट इज यूरिनरी कंप्लेंट या यूरिन सिम्टम में इसको क्या ट्रबल होता है. तो यूरिन में भी जो है जो भी प्रॉब्लम होगा ड्यू टू द सफरिंग ऑफ या सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्रबल के वजह से जो है इनको सफरिंग का ये प्रॉब्लम होता है, तो इसका यूरिन जो है वो स्कैंटी डिस्चार्ज होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा. उसके अलावा जो है ड्यू टू द सप्रेशन या सप्रेस्ड आफ्टर ड्रॉपसी, ये एक नया हम लोग टर्म देख रहे हैं दैट इज ड्रॉपसी. ड्रॉपसी हम लोग सभी को मालूम है दैट इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है ड्रॉपसी कंडीशन डेवलप करता है. तो उस टाइप का जो है हम लोग इसमें भी देखते हैं, या हम लोग को मालूम है दो पॉइंट या दो जो ये है टॉपिक हम लोग जो है वो बार बार देखते हैं दैट इज ड्रॉपसी एंड एनएसआर का. दोनों अलग, दोनों का कंडीशन जो है ये एक्यूमुलेशन है, लेकिन एनएसआर का जो है एज ए होल बॉडी में जो है स्वेलिंग होता है, लेकिन ड्रॉपसी जो है एट ए पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है ये स्वेलिंग होगा. ड्रॉपसी में हम लोग आगे भी देखेंगे जस्ट थोड़ा देर बाद. तो
ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ ड्रॉपसी के वजह से, या जिस वजह से उसका यूरिन जो है एक तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या स्कैंटी डिस्चार्ज होगा, कलर ऑफ यूरिन जो है वो रेड कलर भी हो सकता है या ब्लैक होगा या कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट, जैसे ही जो है यूरिनेशन होने के बाद, पेशाब होने के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें जो है उसका यूरिन जो है जब हम लोग टेस्ट कराने देंगे तो उसमें ये देखा गया है या देखा जाता है कि एक सेडिमेंट कुछ जमा हुआ जो है नीचे में, सपोज कि अगर हम लोग एक बीकर में या एक जो है छोटा सा ड्रम में अगर हम लोग उसको रखते हैं, केप्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं लैब में, तो उसमें देखा गया है कि उसका जो यूरिन में जो है सेडिमेंट जो है नीचे में एक परत या जो है एक लेयर जो है रहता है जमा हुआ, उसको हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। तो उस टाइप का एक कॉफी कलर जो या होगा या कॉफी टाइप का जो है एक कलर जो है वो प्रेजेंट रहता है हेलिकोरस के यूरिनेशन प्रॉब्लम में। उसके अलावा देयर इज एन फ्रीक्वेंट अर्जिंग, वो जो है पेशाब बार बार करने जाता है टू यूरिनेट, बट द चाइल्ड कैन नॉट यूरिनेट इन द कंडीशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे में ये देखा गया है हेलिकोरस में कि वो बार बार जो है यूरिनेशन या पेशाब करने जाएगा, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी लगता है, वो उसको लगता है कि अब जो है हम यूरिन करने जाएंगे तो मेरा जो है यूरिन हो जाएगा, लेकिन वो यूरिन नहीं होता है, वो जो है उसको हम लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। उस टाइप का पेशेंट जो है एक एक्सप्लेनेशन देता है कि डॉक्टर साहब हम लोग जाते हैं, हम जाते हैं पेशाब करने, लेकिन बार बार होने के लिए हम जाते हैं लेकिन पेशाब नहीं होता है। उस टाइप का एक पिकुलियर सिम्टम जो है हम लोग इसके यूरिनरी सिम्टम में देख पा रहे हैं जो कि हेलिकोरस में बताया गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रॉपसी। अभी हम लोग जो बात की है कि ड्रॉपसी में जो है हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को यूज करते हैं या देते भी हैं, तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं दैट इज हेलिकोरस या एपोसाइनम। एपोसाइनम इज ए वंडरफुल रेमेडी फॉर ड्रॉपसी कंडीशन, हम लोग देखेंगे बाद में, या आप लोग जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो ड्रॉपसी में एपोसाइनम को जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रोल है एपोसाइनम का भी, एपोसाइनम कैन। तो उसमें जो है ये ड्रॉपसी कंडीशन जो है वो डेवलप करता है। तो अगर हम लोग ये हेलिकोरस में बात करेंगे या बात कर रहे हैं कि ड्रॉपसी में जो है जिसमें बताया गया है That is, there may be dropsy after suppressed xanthemia. Xanthema, xanthema क्या है? That is a general disease accompanied by eruption of skin such as measles, eruptive fever. Eruptive fever condition में, measles fever में जो है, या measles like fever में जो है dropsy condition जो है वो develop करता है। उस type का जो है peculiarity जो है हम लोग उसको जिंथेमा के नाम से जानते हैं जो कि हेलिकोरस में बताया गया है। उसके अलावा ड्रॉपसी मे बी ऑफ द ब्रेन, अब इसमें जो है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक साइट बताया जा रहा है हेलिकोरस में कि कहां कहां जो है ड्रॉपसी कंडीशन डेवलप करता है, जो कि हम लोग हेलिकोरस मेडिसिन में देख रहे हैं। सो द ड्रॉपसी मे बी ऑफ द ब्रेन और चेस्ट और एब्डोमेन विथ फीवर, द यूरिन मे बी सप्रेस्ड और स्कैंटी। इसमें जो है मे और मे नॉट भी दिया हुआ है, इट मीन्स ये है कि जब ड्रॉपसी कंडीशन डेवलप होगा इसके इस पेशेंट में, चाहे वो ब्रेन रीजन में हो, चेस्ट रीजन में हो, एब्डोमिनल रीजन में, लेकिन उसके साथ जो उसका एसोसिएटेड कंप्लेन है जो है उसको फीवरिश या फीवर होगा, फीवर के साथ जो है उसका यूरिन जो है वो सप्रेस्ड रहेगा या स्कैंटी होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यूरिन जो है वो डिस्चार्ज होगा, जो हम लोग अभी जस्ट प्रीवियसली थोड़ा देर पहले यूरिनरी कंप्लेंट में भी ये सारा सिम्टम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, इन द कंडीशन ऑफ ड्रॉपसी द स्किन इज पेल, पेल कलर रहेगा, पेल इन द सेंस ये हुआ जो हम लोग को मालूम है रिलेटेड टू येलोइश कलर, शाइनिंग रहेगा उसका जो स्किन का जो है एक आउटलुकिंग जो है बहुत ज्यादा शाइनिंग रहता है, अलोंग विद ओडोमेटस कंडीशन, ओडोमेटस भी जो है कंडीशंस में डेवलप करता है। नेक्स्ट है दैट इज इन चेस्ट अफेक्शन और हाइड्रोथोरेक्स और प्लूरेसी,
द पेशेंट कैन ब्रेथ इजली व्हेन लाइंग डाउन. पेशेंट जो है बताता है या जब वो चेस्ट अफेक्शन से सफरिंग करेगा वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो नॉर्मली तब ले पाएगा जब वो लाइंग डाउन रहेगा. लाइंग डाउन इन द सेंस यह हुआ कि अगर चुपचाप बैठा भी हुआ है लेकिन अगर वो झुक के आगे की तरफ जो है डाउनवर्ड्स की तरफ अगर वो झुक के रहता है तब जो है कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिलता है या हम लोग कहेंगे कि उसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन स्केल में जो है उसको आसानी होता है, वो आराम से जो है ले पाएगा. उसके साथ क्या बता रहा है, दैट इज व्हेन सिटिंग अप डाउन. बट व्हेन सिटिंग अप, अब जो है अगर वो खड़ा हो जाए, देयर इज फ्रीक्वेंट शाइगिंग. फ्रीक्वेंट शाइगिंग दैट इज द डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, एक गहरा सांस लेना. डाउनवर्ड्स की तरफ जो है अगर वो झुक के बैठेगा या डाउनवर्ड्स की तरफ अपना पोजीशन को जो है चेंज करता है तो कहीं ना कहीं उसको ब्रीदिंग में, सांस देने में आराम लगता है या उसको अच्छा लगता है. लेकिन अगर वो सिटिंग अप, अगर वो खड़े हो जाए, स्टैंडिंग अप भी कहेंगे, या अगर वो जो हम लोग नॉर्मल बैठते हैं उस टाइप में के पोजीशन में भी अगर वो रहता है तो उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो जो है डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग मतलब हुआ कि गहरी सांस लेना, उस टाइप का एक पिकुलिटी जो है हम लोग इस मेडिसिन में देख रहे हैं. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, दैट इज द रेस्पिरेशन इज इरेगुलर, चेस्ट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, गैस फॉर ब्रीथ ड्यूरिंग हाइड्रोथोरेक्स, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ, या थोरेक्स रीजन में जो है वाटर एक्यूमुलेशन हो जाना, प्रेजेंट इन द वाटर इन द रीजन ऑफ थोरेक्स, या थोरेसिक कैविटी में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन को जो है हम लोग हाइड्रोथोरेक्स के नाम से जानते हैं. तो ये कब होगा, अब जब जो है वो पेशेंट जो है या उसका जो एक इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन, सांस लेना और छोड़ना अगर उसके नॉर्मल में अगर रहता है तब तो ठीक है. लेकिन अगर नॉर्मल में नहीं रहेगा उस समय जो है उसका चेस्ट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है. कॉन्स्ट्रिक्टेड से जो है हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को जो है याद करते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होगा कि एक केज लाइक सेंसेशन. बहुत सारे मेडिसिन में लगेगा कि अपना जो चेस्ट रीजन है कोई इसको बांध दिया है, बांध दिया है, चाहे वो आयरन रॉड से हो. बहुत सारे मेडिसिन में अलग अलग से जो है वो एक अलग अलग सिम्टम में अलग अलग मेडिसिन दिया हुआ है कि कोई एक ऐसा पेशेंट है उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग रहेगा लेकिन उसका पॉजिटिव फैक्टर अलग है कि वो जो है कार्डियक ट्रबल से वो सफरिंग कर रहा है जिस वजह से उसका जो केज लाइक सेंसेशन लगेगा कि उसको जो है एक पिंजरा में बांध के रख दिया गया है या एक आयरन रॉड से जो है बांध दिया गया है. तो वो हार्ट टॉनिक में या हार्ट कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं लेकिन ये उसी टाइप का ही जो है एक सेंसेशन है, दैट इज द चेस्ट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड. कॉन्स्ट्रिक्टेड और भी कारण के में हो सकता है या होता है, चाहे ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होने के वजह से, एक्सपेक्टोरेशन क्लियर नहीं होने के वजह से जो है पेशेंट का जो चेस्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड कर जाता है, जकड़ जाता है, जिस वजह से उसको सांस लेने और छोड़ने में उसको परेशानी होती है. कोई एक ऐसा पेशेंट है जो अभी हम लोग बात किए केज लाइक सेंसेशन, उसको लगेगा कि कोई पिंजरा में बांध दिया है. कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, इट इज अ वेरी वंडरफुल रेमेडी, या क्रैटिजियस ऑक्स. क्रैटिजियस ऑक्स जो है ये भी हम लोग कार्डियक कंप्लेन में देते हैं या हम लोग उसको हार्ट टॉनिक के नाम से जानते हैं. तो उसमें भी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होता है लेकिन उसका ये पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि उसको जब भी ये प्रॉब्लम होगा उसमें जो है ड्यू टू द सफरिंग ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम के वजह से या हार्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो या वाल्व में प्रॉब्लम होने के वजह से उनको कॉन्स्ट्रिक्टेड लगता है तो वो अलग मेडिसिन है या उसका सिम्टम अलग है. लेकिन ये सेम वही कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं. ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से पेशेंट जो है इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन जो है एक प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं ले पाता है. उसके अलावा एक गैस्पिंग हो जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस में जो है, गैस्पिंग हो जाता है जिस वजह से ड्यूरिंग हाइड्रोथोरेक्स. अगर वो पेशेंट जो है
उसके थोड़े से कैविटी में या थोरेक्स में जो है अगर उसको वाटर एक्युमुलेशन हो जाए तब जो है उसको ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट है दैट इज एग्रावेशन। एग्रावेशन कब होगा, इसको ड्रॉपसी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रावेशन कब होगा, फ्रॉम इवनिंग, शाम के टाइम में जो है उसको उसका प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेशन होता है। अनटिल इन मॉर्निंग, मॉर्निंग तक जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा फ्रॉम अनकवरिंग, अनकवरिंग रहता है तभी जो है उसको रिलीफ मिलता है, ये सॉरी एग्रावेशन होगा, प्रॉब्लम जो है वो उसका वर्स कंडीशन में चल जाएगा। तो ये एक फिगर है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये फिगर जो है ये शो कर रहा है दैट इज शाम जो है या सनसेट का ये एक फिगर है कि शाम के टाइम में जो है इसका कंप्लेन जो है एग्रेवेटेड हो जाता है। अनटिल मॉर्निंग, जैसे ही जो है सनराइज हो रहा है उसका प्रॉब्लम जो है उसका जो कंटिन्यूटी रहता है शाम के समय या सन, उसको हम लोग कहेंगे सनसेट टू सनराइज, शाम के ये सन के सूर्यास्त होने से जो है और सूर्य उदय होने तक जो है उनको प्रॉब्लम रहेगा। और उसके अलावा जो है अनकवरिंग से भी जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, वाइल कवरिंग से, कवरिंग से जो है उनको रिलीफ मिलता है या मिड टाइम, मिड टाइम मतलब कि इवनिंग और शाम ये मॉर्निंग के बीच में का जो टाइम होगा उसमें जो है कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उनको ऐसे में अगर हम लोग एज ए जनरल देखते हैं कि कवरिंग से जो है उनको आराम मिलता है या रिलीफ मिलता है। तो ये मेडिसिन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हेलिबोरस नाइगर जो इसका एक पिक्चर था या जो एक ड्रग पिक्चर है हम लोग अभी तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन क्वेरी करेंगे वन बाय वन करके। रोल नंबर 87 रोल नंबर। यस सर, यस सर, यस सर। जो अभी बताया गया है वो समझ में आया है? यस सर, यस सर। ठीक है, रोल नंबर 47 हाँ, जो अभी बताया गया है वो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 94 यस सर। जो अभी बताया गया है वो समझ में आया? 94 यस सर। 94 यस सर। हाँ सर। ठीक है, म्यूट कर लो। रोल नंबर 96 रोल नंबर 96 रोल नंबर 70 रोल नंबर 70 रोल नंबर रोल नंबर 74 रोल नंबर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अभी जो बताया गया है वो समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया है। ठीक, नेक्स्ट रोल नंबर आशुतोष गुप्ता। हेलो सर, 70 हाँ, रोल नंबर 70 यस सर। जो अभी बताया गया है वो समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ठीक है, म्यूट करो। नेक्स्ट रोल नंबर 59 रोल नंबर 59 रोल नंबर रोल नंबर 83 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग, जो अभी बताया गया है वो समझ में आया? जी सर। ठीक है, रोल नंबर 14 14 रोल नंबर